हाय एवरीवन, मेरा नाम अर्जुन है और आज मैं आपको बताऊंगा माय एक्सपीरियंस विद सस्पेंशन बफर्स फॉर माय कार जीप कंपस। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत रिसर्च करा मैंने कि सस्पेंशन बफर्स गाड़ी के लिए अच्छे हैं नहीं, तो बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं। तो इसलिए मैंने सोचा अपना अनबायस्ड ओपिनियन डाल दूँ इस चैनल पर। अगर आपको ये कॉन्टेंट अच्छा लगेगा आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। सो बेसिकली जब मैंने रिसर्च करी तो मैंने पाया कि बेस्ट सस्पेंशन बफर्स जो हैं वो हैं रॉजर ऐप के। सबसे पहले जानते हैं सस्पेंशन बफर्स होते क्या हैं। सस्पेंशन बफर्स एक रबरी प्लास्टिक मटेरियल होता है जो आपकी सस्पेंशन के बीच में जाके हुक हो जाता है। वो सर्कुलर सा होता है और उससे आपका सस्पेंशन बॉटम आउट नहीं करता, वो हमेशा उसको खींच के रखता है। इससे वो लोग कहते हैं कि आपका बॉडी रोल कम होगा, आपका सस्पेंशन गाड़ी का बॉटम आउट नहीं करेगा। एंड इसीलिए मैंने लगाया था कि जब मैं गाड़ी चलाऊं ऑफ रोड पे ले जाऊं तो बहुत ज़्यादा बॉटम आउट ना हो और गाड़ी का राइड क्वालिटी अच्छा हो। वेल ऑनेस्टली जीप कंपस का राइड क्वालिटी बहुत ही फिनोमिनल है। मैंने अब जितनी भी गाड़ियाँ ड्राइव करी है मेरे को इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है राइड क्वालिटी। सो बट स्टिल आई थॉट कि चलो लगाते हैं, एक चुल मची थी कि चलो एक अपग्रेड करते हैं। एंड ऑल्सो आई थॉट कि थोड़ा सा राइड हाइट बढ़ जाएगा, तो आई वॉन्ट टू हैव दैट मोर ऑफ SUV वाला फीलिंग बिकॉज जीप कंपस इज प्रॉपरली अ क्रॉस ओवर, तो उसका राइड हाइट थोड़ा कम ही है। मेरे रिसर्च के हिसाब से मुझे पता चला कि रॉजर ऐप अच्छा है एंड वो 21 डे मनी बैक गारंटी दे रहा है। आई थॉट ओके व्हाट्स देयर टू लूज, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने ऑनलाइन देखा तो अमेजोन पे भी प्राइस 4400 का पड़ा था और रॉजर ऐप की वेबसाइट पे, जो उनकी पर्सनल वेबसाइट है, उस पे भी 4400 का पड़ा था। अब मैंने कहा ठीक है, आई परचेज इट फ्रॉम रॉजर ऐप बिकॉज अमेजोन दे रहा था 14 डे मनी बैक गारंटी और ये लोग दे रहे थे 21 डेज। मैंने ऑर्डर करा, विद इन 3 डेज द प्रोडक्ट केम। मैंने पूरा अनबॉक्सिंग वगैरह उसका कर लिया और उसके बाद मैंने देखा कि ये तो मैं खुद से लगा ही नहीं सकता, विच आई थॉट कि यार ये तो मैं खुद ही लगा दूंगा, सस्पेंशन के बीच में लगाना है। सो आई टुक माई कार टू मैकेनिक। पहला बंदा 1000 रुपये कह रहा था, तो आई थॉट यार ये तो बहुत ज़्यादा है। और फिर सेकेंड वाले के पास गया तो वो 500 में कर रहे थे। एंड बेसिकली वॉट यू, इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट योर सेल्फ, आप एक टायर वाले के पास ले जाओ, वो गाड़ी को लिफ्ट करेंगे उसके बाद सही से लगाएंगे। बिकॉज आप खुद से नहीं कर सकते, आप हर एक जैक कर करके लगाओगे तो एक तो टाइम भी लगेगा, प्लस यू माइट नॉट बी एबल टू डू इट एज वेल एज दे डू बिकॉज ये लोग लगा रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो मैंने जब लगाया था तो उनने मैं बोला था कि यार ये मत लगाओ, आपकी गाड़ी के लिए सूटेबल नहीं है, बट आई थॉट यार मंगवा लिए तो बट ट्राई करने में क्या जा रहा है। मैंने लगा लिया, उसके बाद मैंने कुछ दिन गाड़ी को ड्राइव करा तो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि गाड़ी की ड्राइव बहुत ही चेंज हो गई। इनफैक्ट गाड़ी में मेरे को बॉडी रोल बढ़ गया, बिकॉज जीप कंपस में वैसी बॉडी रोल बहुत कम है और ये लगा के तो बॉडी रोल बढ़ गया। गाड़ी शायद से हल्की सी लिफ्ट हुई थी बट इट वॉज नॉट इवन नोटिसेबल। और साथ में जब मैं जा रहा खड्डों में तो फिर थोड़ा सा और भी स्टिफ हो गए थे सस्पेंशन। बेसिकली जीप में ना FSD है, विच इज़ फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पनिंग। अब ये एक अलग तरीके के सस्पेंशन होते हैं तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट ये इसमें बिल्कुल वर्क नहीं करा। एंड विद इन फ्यू डेज आई थॉट कि यार ये तो चेंज कराना पड़ेगा, बट आई स्टिल थॉट कि चलो इसको 21 डेज के आसपास चला के देखते हैं, क्या पता अच्छा हो जाए, हाईवे मैनर्स भी समझ आ जाएंगे। मैं इसको ईस्टर्न फ्रीवे पे ले गया जो बॉम्बे में है एंड मैंने गाड़ी को चलाया एंड ट्रस्ट मी द राइड क्वालिटी वॉज पथेटिक। जो गाड़ी मेरी चिपक के चलती थी रोड से वैसा बिल्कुल नहीं रहा, काफ़ी ज़्यादा बॉडी रोल बढ़ गया और साइड टू साइड मूवमेंट हो रही थी। इनफैक्ट मेरे पैसेंजर को तो प्रॉब्लम हो रही थी यार क्या लगवा दिया गाड़ी पर, एंड शी ऑल्सो सेड कि यार ये मत लगवाओ, इसको भगवाओ, इसको हटा दो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर फाइनली धीरे धीरे मैंने कहा अभी और थोड़ा देखते हैं, क्या पता अच्छा हो जाए। फाइनली जब थोड़ा टाइम हो गया अराउंड 7-8 डेज, आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग अ नॉइज फ्रॉम द सस्पेंशन। जैसे मैं किसी भी स्पीड ब्रेकर के पास जा रहा था सस्पेंशन में से आवाज ही आने लग गई। मैंने कहा यार क्या मैं गाड़ी की रेड पीट दी है, मेरी गाड़ी अभी 1.5 साल ही हुए हैं लिए हुए, प्लस थोड़ी सी मेरे बजट से बाहर थी बट मैंने जाके ली है, तो मैंने कहा इसको निकलवा देते हैं। फिर मैंने उसको निकलवाने गया तो वो जो 5 मिनट दिए थे उसी में निकाल दिया एंड ये उसका प्रोसेस है निकालने का। इसके बाद मैं वापस गया और रॉजर ऐप को मैंने कॉल कर लिया था कि आप इसका रिटर्न कर लो एंड दे डिडंट इवन हेजिटेट। तो एक तरह से कंपनी बहुत अच्छी है कि जैसे ही मैंने उनको बोला कि ठीक है मेरे को नहीं पसंद आया तो उन्होंने कहा ठीक है वापस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसको वापस से पैक करा और मैंने उनको भेज दिया। अब मेरे को लगा यार पता नहीं रिफंड आए ना आए, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों में कि आपने पैसे दिए हुए हैं, आप कंपनी को पार्सल करा रहे हो और उसके बाद आपका रिफंड ना आए। बट टू माई सरप्राइज रिफंड विद इन फ्यू डेज आ गया। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट था 500 रुपये और उसको वापस भेजने का कॉस्ट पड़ गया 800-900 रुपये। तो आई वॉज ऑलरेडी डाउन बाई 1300-1400 रुपीज़ और 4400 का प्रोडक्ट था जो उसका रिफंड आया वो पूरा आ गया, बट ये 1300-1400 रुपये कट गए। तो ऑल इन ऑल थोड़ा सा नुकसान हो गया। सो वुड आई रिकमेंड सस्पेंशन बफर्स
एटलीस्ट नॉट फॉर जीप कंपस. मे बी अगर आप एक हैचबैक चला रहे हो, फिर एक सेडान चला रहे हो जिसकी राइड हाइट कम है, उनके लिए हो सकता है बेनिफिशियल है, लेकिन मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं था. सो आई वोंट रिकमेंड. बट अगर आपको सस्पेंशन बफर्स लेने हैं देन आई वुड रिकमेंड रॉजर ऐप, बिकॉज दे आर वेरी क्लीन विद देयर पॉलिसी. अगर उन्होंने कहा कि यार मनी बैक होगा तो होगा, बट आपको जो भी कॉस्टिंग है शिपिंग की और आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो आपको कवर करनी पड़ेगी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. फॉर माई केस इट डिडंट सूट मी, तो मैंने निकाल दिया. एंड आई वुड गिव दिस प्रोडक्ट अ थम्स डाउन फॉर जीप कंपस ओनली. मैंने बाकी गाड़ी में एक्सपीरियंस नहीं करा, इसलिए आई कांट टेल यू अबाउट देम. बट फॉर एन SUV लाइक जीप कंपस और सिमिलर कार्स लाइक हैरियर हो गई और XUV हो गई, आई डोंट थिंक यू नीड दिस. एंड ऑनेस्टली बिल्कुल भी मत लगाना, डोंट इवन ट्राई. मैंने अपने पैसे बर्न कर लिए, आप लोग मत करना. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा शेयर कर लेना किसी भी फ्रेंड के साथ. और अगर आप लगाने की सोच रहे हो और आपका सेडान नहीं SUV है तो मत लगाओ. अगर आपका सेडान है देन यू कैन गिव इट अ ट्राई. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.